हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम तो बिल्कुल मज़े में हैं और मस्त हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे और घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। और हम पहुँच गए हैं पिंजौर, और हमेशा की तरह इस बारी भी जाम लगा हुआ है। पिंजौर में काफ़ी जाम लगा रहता है दोस्तों यहाँ पर। और ये पीर बाबा की मज़ार है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मल्ला को गया रोड और सामने शिमला हाईवे। काफ़ी जाम लगा रहता है दोस्तों यहाँ पर पिंजौर में। और वो गया मल्ला को रोड, जहाँ पर वो ऑटो खड़ा है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है पिंजौर में। आज गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। ये स्कूटर बाड़ी जा रही है, देखो इसमें टीवीएस के मोटरसाइकिल लोड है। तो आज घुमाते हैं आपको पिंजौर बाज़ार और पिंजौर बाज़ार का जाम, जो कि हर समय लगे ही रहता है जाम। यहाँ पर कभी भी खाली नहीं मिलेगा आपको। पिंजौर में जाम ना लगे ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाकी सब कुछ हो सकता है, जाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है पिंजौर का। जब बाईपास बन जाए तो शायद कुछ सुधार हो जाए। ये तो अच्छा है कि चलो शिमला सोलन रोडू रामपुर वाली गाड़ी के लिए बाईपास बना हुआ है, बारो बार जाती है गाड़ी। और ज़्यादा तो ये कार वाले ही लगाते हैं, जो ये रॉन्ग साइड जाते हैं ना बिना मतलब से, तो इनको तो क्या ही बोले कार वालों को। ये आगे जाते हैं दूसरी लाइन भी बंद करा देते हैं ये साथ में। और ये आ गई है HR65 वाले, आ गए हैं 10 चक्की। HP12D वाले आ गए हैं, सी वाले हैं भाई। और ये आ गए हैं RJ10GB 1905। और कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, ऑटो, अब कारों की लाइन आ गई है दोस्तों आगे से। वो देख सकते हैं सामने, वो टेम्पो ट्रेवलर जा रहा है भाई। उसको तो पता नहीं, काफ़ी जल्दी है भाई, क्या ही बोले। ऑटो वाले को भी जल्दी होगी भाई। देख सकते हैं ऑटो जा रहे हैं, ऑटो भाई। HP66 वाले भी आ गए भाई, कुल्लू मनाली वाले भी आए आज। और साथ में ये है वाइन शॉप, बारिश लग गई है और टेम्पू वाले लग गए हैं तिरपाल डालने की विचार करने लग गए हैं। और छोटा हाथी वाला भी तिरपाल लग गया, नहीं छोटा हाथी नहीं, पिकअप है भाई, पिकअप वाला भी अकेला लगा हुआ, देखो रस्सा तिरपाल मारने। और ये है टैक्सी स्टैंड पिंजौर का, सामने लगी हुई टैक्सी। और सामने आपको दिखाई दे रहा है पिंजौर गार्डन, काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से भाई इधर भी पिंजौर में गार्डन में घूमने के लिए। और बस वाले को देखो भाई, HRTC वाले को क्या मजबूरी पड़ गई है। देखो HP60 हमीरपुर डिपो की बस है, क्या करे भाई, बस वाले तो मजबूर हैं, टाइम भी कवर करना होता है इनको, तो इनकी तो मजबूरी भी बन जाती है भाई। और ऊपर से आ गई हरियाणा रोडवेज अंब गई हुई थी भाई, ये ऊना अंब से आ रही है ये रोडवेज। और देखो पिंजौर गार्डन,
और भाई क्या ही बोले, बस भी आ गई इधर। इनको तो बड़ी जल्दी रहती है भाई, क्या ही बोले इन बस वाले को। सिंडिकेट की बस है भाई, कहाँ से आ गई यार सिंडिकेट, PB12 वाले, रोपड़ वाले। पूरा भरा पड़ा है पिंजौर गार्डन, देख सकते हैं अंदर टैक्सियां ही टैक्सियां लगी है, कारें ही कारें, लोग आए हुए हैं घूमने। और मुझे लग रहा है ये बस भी यहीं पर ही रुकेगी, ये पिंजौर गार्डन में घुस जाएगी शायद, लग रहा है कुछ ऐसा ही मुझे। ऊपर से आ गया आइसर का बंद डब्बा 10 चक्का। ये देखो भाई कार वाले ऑटो वाले, इनको तो सब्र ही नहीं है भाई। सिलेंडर भर के आ गई है गोपाल सिलेंडर। कार वाले जल्दबाजी नहीं ना करे दोस्तों, तो जाम ना लगे इतना। ये आगे चले जाते हैं, दोनों लाइनें बंद कर देते हैं। देखो पिंजौर गार्डन का गेट, काफ़ी प्यारा गेट है देख सकते हैं आप लोग। और देखो भाई लोग काफ़ी आए हुए हैं घूमने फिरने, अब घूम फिर के आ गए हैं लोग बाहर को, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं, चला हुआ है काम। ये देखो HR69 वाले आ गए भाई, सिग्ना आ गया, सिग्ना सिग्ना। अब ये लाइन में देखा था आपने नीचे से कोई जाम नहीं है, पर ये जो रॉन्ग साइड आते हैं ना, तो उन्होंने ये दूसरी लाइन भी खड़ी करवा दी है, क्योंकि रॉन्ग साइड आ जाते हैं कार वाले, हर कहीं से निकल जाते हैं, तो इसलिए जाम लग जाता है। नहीं तो ऊपर से जो नीचे को आ रही है गाड़ियाँ, इनको तो कोई जाम ही नहीं था नीचे, बिल्कुल खुला पड़ा था। पर एक कार ऑटो वाले लगा देते हैं ना जाम, ये खुद परेशान होते हैं और दूसरे को भी परेशान कर देते हैं। और यहाँ से पिंजौर सिटी शुरू हो गई है, शुरू में होटल शुरू होते हैं यहाँ पर।